मध्य प्रदेश में इस बार कई नेता पुत्र चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। आज इसके संकेत बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दिए। चाहे कोई भी पार्टी हो, वंशवाद हमेशा पार्टियों पर भारी पड़ता है। अब तक कांग्रेस पर वंशवाद के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी भी वंशवाद से जूझती नजर आ रही है। एमपी में करीब आधा दर्जन मंत्री और सांसद समेत विधायक अपने पुत्रों के टिकट के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आ गया है। उनके मुताबिक किसी नेता का पुत्र होना कोई दोष नहीं होता, और अगर वो इस योग्य है तो निश्चित रूप से पार्टी उस पर विचार करेगी। देखिए, ये सब पार्टी विचार करेगी, कौन कार्यकर्ता किस समय कितने लंबे समय से काम कर रहा है, कौन पार्टी में लड़ सकता कौन नहीं लड़ सकता। किसी नेता का पुत्र होना कोई दोष नहीं होता, यदि वह योग्य होगा तो निश्चित रूप से पार्टी उसके ऊपर विचार करेगी। वहीं कैलाश के इस बयान पर कांग्रेस ने उन्हें घेर लिया है और कहा है कि बीजेपी वंशवादी हो गई है। कांग्रेस का इतिहास गौरवशाली इतिहास है, वंश की परंपरा का। गांधी कोई वंश नहीं, गांधी विचारधारा है जो हमारी रगों में प्रवाहित होती है, जिसमें त्याग प्रतिबिंबित होता है। जिसमें इंदिरा जी का जब वंशवाद की बात होती तो अपने प्राणों की आहुति का वंशवाद है, राजीव जी की जब बात होगी तो अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्योछावर करने का वंशवाद है, जब सोनिया जी का जिक्र होगा तो ये वंशवाद उस पद को त्याग कर प्रतिबिंबित होता है जिस पद को पाने की लालसा में नरेंद्र मोदी जी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान कई नेता टिकट के लिए अपने परिवार के सदस्य के नाम को लेकर जोर आजमाइश कर रहे हैं। चर्चा कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय के भी चुनाव लड़ने की है। अब तक कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में वंशवाद के मामले में कांग्रेस से कहीं ज्यादा आगे जाती दिख रही है। लगभग एक दर्जन से ज्यादा नेता पुत्रों को टिकट मिलने की संभावना ने अब ये साफ कर दिया है कि बात जब वंशवाद की हो तो फिर कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। कैमरामैन राहुल जेजकर के साथ रवीश पाल सिंह।